उत्तराखंड के रुड़की शहर में एक व्यक्ति ने सड़कों पर हुए गड्ढों में बीजेपी का झंडा लगाकर अनोखी तरह से अपना विरोध दर्ज किया है। उसने जनप्रतिनिधियों पर जमकर निशाना साधा और उन्हें निकम्मा बताया। रुड़की शहर की सड़कें खतरनाक गड्ढों से भरी हुई है, जिसकी वजह से आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। इस समस्या को लेकर रुड़की निवासी दीपक लाखवान ने इन गड्ढों पर भाजपा का झंडा लगा दिया और जनप्रतिनिधियों को निकम्मा बताते हुए बैनर बोर्ड लगा दिए हैं। दीपक लाखवान ने बताया कि रुड़की के भाजपा नेता कोई काम नहीं करा रहे, बल्कि रुड़की शहर की सड़कों पर जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, जिनकी वजह से अब तक कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने अपनी आंखें मूंद रखी हैं। जब हम कल ये काम कर रहे थे, ये काम कल से इसलिए शुरू किया कि परसों रात एक बहुत बड़ा हादसा यहाँ हुआ कि एक कार कम से कम 12 फुट हवा में उछली और वो कई कलाबाजी खा के वहां जाके गिरी। वो तो अच्छा हुआ उधर से कोई नहीं आ रहा था और कार में जो थे लोग वो सुरक्षित रह गए। वो कार पूरी तरीके से डैमेज हो गई, लेकिन उन्हें केवल चोट आई है जो कार चला रहा था लड़का। अब क्या होता है अर्शद भाई, जब हम कल ये लगा रहे थे तो हमने चारों तरफ ये अभियान शुरू करा। हम कह रहे हैं कि सदस्यता अभियान से अच्छा होता कि अगर भाजपा समस्या अभियान चलाती, लोगों की समस्याएं और जो धरातल पर जो समस्याएं हैं उनका निवारण करती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।